बीते रोज ग्राम पंचायत अभाऊ के ग्रामीणों ने अभाऊ से रेवना होते हुए गौरेहार जाने वाले कम मार्ग की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया था और ग्रामीणों ने कहा था कि बरसात के मौसम में उन्हें आवश्यक कार्यों के लिए अनुविभाग कार्यालय गौरेहार आने जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया था कि शासन द्वारा उनके लिए रास्ते का स्थायी इंतजाम नहीं किया जाता तो समस्त ग्रामीण आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार करेंगे। जैसे ही इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र चौधरी को लगी तो तत्काल एक्शन में आते हुए उन्होंने नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद सोनी को निर्देश दिए कि जाकर अभाऊ ग्राम के ग्रामीणों से मिलें और उनकी समस्या का समाधान करें। आज इसी संदर्भ में नायब तहसीलदार शारदा प्रसाद सोनी जो जाननगर सदर पटवारी मैन सिंह राम अभाऊ पहुंचे और जनता की समस्या का समाधान किया और उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्रामीण उनसे संतुष्ट दिखे और मतदान करने के लिए राजी हुए। तो आप आए और आपने यहाँ के ग्रामीणों से क्या बात की? जो खबर निकली थी और SDM साहब के आदेशानुसार निर्देशानुसार और शिकायत किया गया था उसके अनुसार जो है अपन मौके में निरीक्षण करने पहुँचे। निरीक्षण में सरपंच और ग्रामीण जन काफ़ी मात्रा में उपस्थित थे। वास्तव में मौके में रोड तो है लेकिन उसमें मिट्टी डली हुई है जिससे बरसात के दिनों में आवागमन में समस्या आती है और निश्चित रूप से वो रोड बनना चाहिए। रोड बनने के लिए जो है अपन शासन स्तर से पूर्णतः प्रयास करेंगे और जो भी अपने तरफ से जो भी समस्याएं के निराकरण करने के लिए करना होगा वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करके इस समस्या का निदान करवाएंगे। सर एक और सवाल है कि ग्रामीणों को कहना था कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया तो हम मतदान बहिष्कार करेंगे, तो आप कितना उनको मनाने में सफल हुए? ग्रामीणों का जो कहना था मैंने सुना है, हमसे भी यही बात कह रहे थे, लेकिन ग्रामीण यहाँ के अच्छे हैं, वो निश्चित रूप से वोट का बहिष्कार करने के लिए आज हमारे सामने मना किए हैं कि सर हम वोट तो डालेंगे परंतु रोड बनवा दिया जाए। तो अब वोट डालने का जो उनका मानना था कहना था वो नहीं है, सभी वोट मतदान करेंगे।